दोस्तों आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में बहुत सारे इन्फ्लेटेबल पूल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन भाई जो मैंने अमेजोन से बेस्ट वे का इन्फ्लेटेबल पूल लिया है, वो भी सबसे बड़े साइज का, वो लिया है मात्र 2099 रुपए में, कुछ इतने में लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई मुझे लगता है ये मेरी सबसे वैल्यू फॉर मनी डील रही है इस पूल के मामले में। अगर आप लोग देखेंगे लास्ट साइज के पूल का रेट अमेजोन फ्लिपकार्ट में, तो भाई 3500-4000 रुपए के आसपास रहता है, लेकिन भाई आप लोग देख लो मुझे कितने कम दाम में मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पूल की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखेंगे इसे ओपन करके और देखेंगे कितना बड़ा फूलता है, कितना ऊंचा फूलता है, कितना टाइम लेता है फूलने में, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं अपने इस स्विमिंग पूल की, जिसे लेके आप लोग गर्मियों में अपने घर में मस्ती कर सकते हैं। वैसे सर्दियों का मौसम आने वाला है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अनबॉक्सिंग है, अगले साल यूज़ कर लेंगे। तो मैं आपको इसकी लिंक और इससे मिलते जुलते पूल्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको लेना तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपको हमेशा अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये कभी कभी ही अवेलेबल रहता है इतनी कम प्राइस में, तो ध्यान रखिएगा। और भाई ये रहा पूल, पता नहीं कैसे पैक कर देते हैं इतने बड़े पाउच में, इतने बड़े बॉक्स में। हो ये गया ये और ये इतना लंबा, तो ये आप लोग देख सकते हैं लगभग 8 फीट का है। ये और ये फाइनली पूरा का पूरा पूल आप लोग देख सकते हैं ओपन हो गया है। तो जब भी हम लोग बचपन में फुलाने वाली बॉल लेते थे, उसका कैप आपको याद होगा इतना छोटा सा होता था, और सेम वैसा ही कैप यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन वो इतना बड़ा है। तो चलिए इसमें हवा भरते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे फुलाने में। दोस्तों मैंने पूल में हवा भरने वाला पंप नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक एयर ब्लोअर था, तो इससे ही काम हो जाएगा, तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको पूल में हवा भरने वाले पंप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं ब्लोअर से इसकी पहली लेयर को फुलाने में कितना समय लगता है। स्टार्ट करता हूं मैं यहां पे। तो आप लोग देख सकते हैं करीब 1 मिनट का समय लगा है इसकी एक लेयर को ब्लोअर से भरने में, यानी कि अब दूसरी को भी फुलाने में 1 मिनट का ही समय लगने वाला है। ये गया इसके अंदर। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हमारा पूरा पूल फूल के तैयार है, और इसकी हाइट की बात करें तो आप लोग देख लो करीब 16 इंच कंप्लीट है, लेकिन पानी आप लोग यहाँ तक ही भर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे पानी निकालने के लिए एक कैप भी दिया गया है, यहाँ से सारा पानी आराम से निकल जाएगा मस्त। इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे कुछ वार्निंग भी लिखी हुई है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये देखो और ये देखो और ये देखो, अरे पूरा पूल पे ही कुछ लिख रखा है इन लोगों ने, तो भर भर के लिख रखा है। तो अच्छा, तो ये सब आप लोग देख लेना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितनी आसानी से इस पूल में पूरा का पूरा फिट हो जाऊंगा। वैसे अभी मैं पानी नहीं भर रहा हूँ इसमें, सिर्फ यूं ही आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा मैं आ गया, इवन थोड़ी सी जगह अभी भी बच रही है, यहाँ पे करीब 1 फीट जगह बची है, और मैं पूरा का पूरा इस पूल के अंदर आ गया हूँ। ये है ना मस्त, बस पानी की कमी है। दोस्तों इस पूल के साथ हमें एक पैच भी मिलता है, अगर बाय चांस कभी ये पूल फट जाता है तो हम लोग इसे रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन देखो सिर्फ एक ही मिला है। दोस्तों अभी मुझे पता चला कि मैं हवा भरते टाइम शायद एक गलती कर रहा था, मुझे हवा भरते समय इस वाले कैप का इस्तेमाल करना चाहिए था, इसमें से हवा चली तो जाएगी लेकिन वापस निकलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, और मैं लास्ट वाले कैप से हवा भर रहा था, लेकिन उससे हवा तेजी से भर गई, लेकिन इससे निकल भी आती है तुरंत, कुछ खुल जा भाई ऐसे।
हवा खाओ मस्त। दोस्तों आने वाले किसी वीडियो में हम लोग इसमें पानी भर के भी दिखेंगे, और केवल पानी ही नहीं भरेंगे और भी कुछ मस्त ट्राई करेंगे इसके साथ। अगर आपके पास भी कोई मस्त आएगा तो कमेंट में बताना, क्योंकि केवल पानी भर के देखने का कोई फायदा भी नहीं है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि भाई इसे वापस से पैक करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि है बहुत बड़ा और इसकी हवा निकालने में तो सच में हमारी हवा निकल जाएगी। तो देखते हैं कितना समय लगता है इसे वापस से पैक करने में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जिसको ये पुल लेना उसके तक, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। तो फटाक से इसे वापस से पैक करते हैं। दोस्तों ये बात तो पक्की है कि जितना टाइम इसमें हवा भरने में नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम इसकी हवा निकालने में या फिर पैक करने में लग जाएगा। इससे बढ़िया है इसे यूं ही छोड़ दो, अपने आप जितनी हवा होगी अपने मन से ही निकल जाने दो। ठीक है, तो मैं वीडियो को करता हूँ एंड। बाय बाय।